दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको ईद मीलादुन्नबी का शाब्दिक अर्थ बताऊंगा और इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो यकीनन आपको नहीं मालूम होंगी। ईद मीलादुन्नबी, यह है इसका सही उच्चारण, ईद मीलादुन्नबी। इसको कुछ लोग ईद मीलादुन्नबी भी कहते हैं, ईद मीलादुन्नबी या ईद मीलादुन्नबी। इसको कई लोग ठीक से नहीं बोल पाते हैं और जो ठीक से बोल भी पाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ यानी लुगवी माना नहीं जानते। ईद मीलादुन्नबी में तीन शब्द हैं, देखिए, ईद, मीलाद और नबी। ईद किसे कहते हैं? ईद का मतलब है त्यौहार और खुशी। मीलाद का मतलब है पैदाइश का दिन, पैदाइश का मौका, पैदाइश का समय। और नबी कहते हैं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी शब्द का शाब्दिक अर्थ है खबर लाने वाला। खबर लाने वाले का मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए संदेश लाने वाला। तो ईद मीलादुन्नबी का अर्थ हुआ अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए संदेश लाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न या पैदाइश की खुशी या पैदाइश का त्यौहार। अब इससे जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जो शायद आपको हैरान करेंगी। जैसे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इस त्यौहार को नहीं मनाता। जी हाँ, यह सच है, कुछ मुसलमान मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते। जो नहीं मनाते हैं उनका कहना है कि इस्लाम में जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा कभी नहीं रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ना उन्होंने कभी मनाया ना दूसरों ने कभी मनाया। तो फिर ये कब से मनाया जाने लगा? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ 100 सालों के बाद शुरू हुआ, यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया यानी इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसके कुछ 100 सालों के बाद ये शुरू हुआ। अब कैसे शुरू हुआ इसकी भी अलग कहानी है, वो बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल इतना जानिए कि जो इख्तलाफ यानी कि जो मतभेद है वो मुख्यतः इसी बात पर है कि जन्मदिन की परंपरा इस्लामी परंपरा नहीं है, इसलिए कुछ लोग नहीं मनाते हैं। जो मनाते हैं उनके अपने तर्क हैं। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मतिथि के बारे में भी इख्तलाफ है यानी कि मतभेद है। कुछ किताबों में लिखा है कि 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कुछ में लिखा है 10 को पैदा हुए, कुछ में लिखा है 11 को पैदा हुए, कुछ में लिखा है 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। रबीउल अव्वल का मतलब है हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना। हिजरी कैलेंडर के तीसरे महीने को रबीउल अव्वल कहा जाता है। तो इस महीने की अलग अलग डेट्स के बारे में किताबों में लिखा है। कुछ किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मतिथि 17 रबीउल अव्वल बताई गई है। और तो और, कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिनमें उनका जन्मदिन रबीउल अव्वल के महीने के अलावा किसी और महीने में बताया गया है। बहरहाल इस विषय को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए कि 12 रबीउल अव्वल के बारे में ज़्यादातर लोग सहमत हैं। मतलब जो अलग अलग राय चलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा राय 12 रबीउल अव्वल के बारे में है, यानी कि अधिकांश उलमा यानी विद्वान 12 रबीउल अव्वल के बारे में सहमत हैं कि मोहम्मद साहब का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 12 रबीउल अव्वल को हुआ। अब जो लोग नहीं मनाते हैं वो इससे भी असहमत हैं। वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म पीर के दिन यानी मंडे के दिन हुआ था, ये तो साबित है यानी ये तो प्रूव्ड है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कई मर्तबा फरमाया, बताया लोगों को कि उनका जन्म मंडे को हुआ यानी पीर के रोज़। और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के रोज़ रोज़ा भी रखते थे। जब उनके साथियों ने यानी सहाबा ने पूछा कि आप ये रोज़ा क्यों रखते हैं, तो बताया कि हम इस दिन पैदा हुए थे। तो जो लोग इस डेट से मुत्तफिक यानी सहमत नहीं हैं वो ये कहते हैं कि भाई मंडे को पैदा हुए थे ये तो फैक्ट है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे इसके बारे में मतभेद है। दूसरी बात, कुछ लोग इस त्यौहार को 12 वफात कहते हैं और इसके पीछे उनका तर्क यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 दिन बीमार रहने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए थे यानी उनकी वफात हुई थी, तो ये 12 वफात हो गया।
अब जो नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं हमारे, वो बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं, कई बार पूछते भी हैं कि जब भाई वफ़ात मानते हैं आप इस डेट पर, तो वफ़ात का जुलूस, जश्न, जलसा, शोर, इतना खुशियाँ, ये क्या है? बात उनकी सही है। अब इस विषय पर भी मैं काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फिर वही है कि बात लंबी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल बात को मुख्तसर यानी कि संक्षिप्त करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मंडे को हुआ यानी पीर को, ये सिद्ध है, सब इस पर एक मत हैं। और उनका विसाल यानी कि उनकी रुखसती यानी वो दुनिया से जो पर्दा फरमा कर गए, वो भी मंडे को हुआ। तो मंडे तो साबित है यानी मंडे के बारे में सब एक मत हैं। दिन के बारे में किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन डेट्स के बारे में विरोध है। जो भी हो, मैंने आपको ईद मिलादुन्नबी का अर्थ बताने के लिए कहा था शुरू में इस वीडियो के, वो मैंने आपको बता दिया, साथ ही इससे जुड़ी कुछ बातें भी बताईं। उम्मीद है आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा यानी कि मालूमात में वृद्धि हुई होगी। कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए और इस वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द आऊँगा लेकर कोई और अच्छी सी जानकारी आपके लिए। मोइन शमसी को इजाज़त दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।